मैं हूं सरोज, आपको स्वागत करता हूं मैट्रिक्स डिजिलर्न का पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीरीज को। मैट्रिक्स डिजिलर्न इज अ डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ मैट्रिक्स कॉम्पिटेटिव पॉइंट व्हिच इज ए पायनियर इंस्टीट्यूट फॉर बैंकिंग, रेलवे, एसएससी एंड अदर कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन। दोस्तों, जब हम हमारे जिंदगी में कोई कमिटमेंट करते हैं, कोई प्रोमिस करते हैं, उसको हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं। अगर वो कमिटमेंट और प्रोमिस जो हमारे सेल्फ डेवलपमेंट की रिलेटेड होता है, वो हमको मेंटेन करना नामुमकिन के बराबर हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब समझा देता हूँ। सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब होता है जैसे कि हम अर्ली उठना है, डेली जिम जाना है, मिनिमम 2 to 3 hours पढ़ाई करना है जिसको मेंटेन करना है, जैसे कि हम वेट लॉस करना है, कंटिन्यूस हमारा जो डाइट प्लान के ऊपर काम करना है, ये सब चीज सेल्फ इंप्रूवमेंट होता है। इसको अगर हम मेंटेन करना चाहते हैं, हम कुछ दिनों के बाद मेंटेन नहीं कर पाते। अभी मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको अच्छी तरह से क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टेकन ए डिसीजन टू प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विस एग्जाम। हमने एक डिसीजन लिए कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हम प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए हम पूरा प्रिपरेशन शुरू कर दिए, जो स्टडी मटेरियल होता है उसको खरीद कर लिए, कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग में भी ज्वाइन कर लिए और एक डेट भी हम फिक्स कर दिए कि वही दिन से हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। आप देखेंगे जो दिन आप फिक्स किए थे उस दिन आप पूरा कंसेंट्रेशन के साथ, पूरा एनर्जी के साथ आप बैठ जाएंगे, पूरा 4 घंटा पढ़ाई करेंगे, पूरा 4 घंटा जैसे कि आप कमिटमेंट किए थे, मैं 4 घंटा पर डे पढ़ाई करूंगा, 3 साल के लिए प्रिपेयर करूंगा, तो मुझे जैसे भी हो सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करना है। तो 4 घंटा पहला दिन हम मेंटेन कर पाएंगे विथ फुल एनर्जी, विथ फुल कॉन्फिडेंस। जो देखेंगे नेक्स्ट डे जो आएगा, नेक्स्ट डे में थोड़ा तो आपका एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे आएगा, आप देखेंगे शायद आपको 4 घंटा मेंटेन करने में बहुत सारे दिक्कत आ जाएगा, वो 4 घंटा बहुत टाइम आपको लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिल जाएगा, आपका एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, ये महसूस आप करेंगे। जब ऐसे करके आप कंटिन्यू करेंगे, जब 15 दिन आएगा, आप देखेंगे कि 15 दिनों के बाद जब 15 दिन होगा तो आपका जो एनर्जी लेवल शायद 50% से कम हो गया होगा, आपका जो एनर्जी लेवल है वो कम हो गया होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया होगा, आप उसके दिन भी ऐसा होगा कि 2-3 दिन भी आपका मिस कर गए होंगे। ऐसा करके हम जब 1 महीना चले जाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आप पूरा भूल जाएंगे कि क्या हम कमिटमेंट किए थे। बहुत सारे कन्फ्यूजन, बहुत सारे एक्सक्यूजेस आपका माइंड में आ गया होगा, जैसे कि अरे मैं 3 साल पढ़ाई करूंगा, ये तो बहुत देर की बात होता है, बहुत टाइम लगेगा, ऐसा कोई ढूंढते हैं जो 6 महीना के हमको सक्सेस दिला सकता है, नहीं हम सिविल सर्विस प्रिपरेशन छोड़ के थोड़ा सा बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन करेंगे, रेलवे के लिए करेंगे, नहीं तो कोई बिजनेस सेटअप करेंगे, ऐसा करेंगे। तो बहुत सारे चीज़ आपका माइंड में आ गया होगा, तो हम कमिटमेंट जो किए थे शायद आप पूरा भूल गए होंगे। ऐसा ही हमारा साथ हर वक्त होता है। ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? बिकॉज वी आर नॉट मेंटेनिंग द कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है अगर मैं 4 घंटा दिन में पढ़ाई करने के लिए कमिटमेंट कर रहा हूँ, जैसे भी हो मैं 4 घंटा पढ़ाई करूंगा, कोई फेस्टिवल आए, कोई घर में फैमिली में कोई शादी वगैरह हुए, जो भी होगा, लेकिन मैं 4 घंटा मिनिमम पढ़ाई करूंगा, दैट इज कॉल्ड द कंसिस्टेंसी। एंड परसिस्टेंसी इज आई विल स्टिक टू माई गोल। That means, अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ सिविल सर्विस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आई विल स्टिक टू माई गोल। जैसे भी वो सिविल सर्विस ही मुझे प्रिपरेशन करना है, मुझे गोल चेंज नहीं करना है, मुझे स्ट्रैटेजी चेंज करना है टू अचीव दैट गोल। क्योंकि हम ये चीज नहीं कर पाते और दूसरा जो करते हैं, हम फोकस करते हैं एंड रिजल्ट के ऊपर, 3 साल के बाद क्या आएगा। अगर हम एंड रिजल्ट के ऊपर फोकस ना करके अगर हम प्रोसेस के ऊपर फोकस करेंगे, दिन बाद दिन फोकस करेंगे, आज मुझे मेंटेन करना है, कल मुझे वही एनर्जी के साथ मेंटेन करना है, ऐसा करके अगर आप फोकस करेंगे तो हमारा टारगेट हम अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आज आपके लिए मैं एक गुड न्यूज लेके आया हूं। आज मैं आपको ऐसा इजी तरीका, सिंपल तरीका बताने वाला हूं जिसको आप जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करके आप जीवन का हर प्रॉमिस, हर कमिटमेंट, हर सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जो खुद से कमिटमेंट करते हैं वो सब कुछ आप मेंटेन कर सकते हैं। दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड आज LITB,
लिटिल इंप्रूवमेंट दैन बिफोर। अगर आप दिन बाद दिन फोकस करेंगे, लिटिल इंप्रूवमेंट दैन बिफोर, अगर हम हर दिन में लिटिल इंप्रूवमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कुछ दिनों का बाद दैट विल बी MITB, दैट मीन्स मासिव इंप्रूवमेंट दैन बिफोर, व्हिच विल लीड टू यू द सक्सेस, गारंटेड सक्सेस। तो हमको क्या करना है, जो हम आज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वी आर स्टडिंग 1 आवर पर डे, तो हमको काल के लिए 1 आवर कुछ समय बढ़ाना है, 5 मिनट बढ़ाना है। काल के लिए मैं कमिट करूंगा, आज मैं 1 आवर पढ़ाई कर रहा हूं, काल में 5 मिनट ज्यादा पढ़ाई कर रहा हूं। लिटिल इंप्रूवमेंट करना है। और पहले भी आप ऐसा कर सकते हैं, पहले जो 1 आवर पढ़ाई कर रहे हैं उसको कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करेंगे, जैसे कि आप खुद को कमिटमेंट करेंगे, जैसे भी हो, जैसे भी चैलेंजेस आए, जैसे भी फेस्टिवल आए, व्हाट एवर मे बी कम, मैं 15 दिन के लिए 1 आवर पढ़ाई को मेंटेन करूंगा। उसके बाद आप खुद को लिटिल इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। लिटिल बाय लिटिल इंप्रूवमेंट आपके जीवन में वो मासिव इंप्रूवमेंट देगा। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग इलुस्ट्रेशन बताना चाहता हूं। इलुस्ट्रेशन बताने से आपको पूरा समझ में आ जाएगा, यू विल सी द मैजिक ऑफ LITB। फॉर एग्जाम्पल हम खुद से एक कमिटमेंट करते हैं कि हर दिन में मैं 1% खुद को डेवलप करूंगा। जैसे कि January 1st में मैं स्टार्ट किया, January 1st में मेरा जो लेवल था, इंप्रूवमेंट लेवल था, दैट वाज 100%। जेन January 2 में हमारा जो इंप्रूवमेंट परसेंट है वो 1% इंप्रूवमेंट हुआ, दैट इज 101%। देन 3rd January जो आएगा उसमें हम कंपाउंड डेवलप करेंगे। कैसे, जो January 2 में जो इंप्रूवमेंट किया था 101%, उसके ऊपर 1% डेवलप करेंगे, जो बनेगा 102.01%। ऐसे करके अगर आप चलेंगे, जो March 31st आएगा उसमें हमारा जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट का परसेंटेज होगा, दैट विल बी 242%। ऐसे करके हम अगर चलते हैं, 1 साल के लिए मेंटेन करते हैं, हमारा जो डेवलपमेंट आएगा दैट इज 3740%, दैट मीन्स द 374 टाइम्स दैन January 1। हम खुद को 374 टाइम्स डेवलप कर पाएंगे। देखिए 1% डेली डेवलपमेंट करने से कैसा मासिव एक्शन आता है, MITB आता है, दैट मीन्स मासिव इंप्रूवमेंट इन योर लाइफ आता है। अगर इस तरह हम खुद को इम्प्रूवमेंट करने लगेंगे, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट पर डे करेंगे, तो हमारा जो सक्सेस वो गारंटेड हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपका माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि हम खुद को पर डे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, हम दिन ब दिन बढ़ रहे, आगे बढ़ रहे, खुद को इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो इसके लिए कुछ सिम्टम्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर वो सिम्टम्स आपके साथ होता है, अगर आप उसको रियलाइज करते हो, तो आपको पता चल रहा चाहिए कि यू आर डेवलपिंग अलर्ट। द फर्स्ट सिम्टम इज यू आर ईगरली वेटिंग फॉर द नेक्स्ट डे। आपको नेक्स्ट डे के लिए कुछ प्लान है, कुछ करना है, कुछ अचीवमेंट करना है, इसलिए आप काल को ईगरली वेटिंग करते हो। ऐसा अगर आप मन में क्यूरियोसिटी आता है काल को इन्वाइट करने के लिए, तो आप समझिए कि यू आर ग्रोइंग अलर्ट। जो सेकेंड जो पॉइंट आता है, योर कॉन्फिडेंस लेवल इज ग्रोइंग, योर कॉन्फिडेंस लेवल इज इंप्रूविंग डे बाय डे। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल डे बाय डे बढ़ रहा है, इसका मतलब है यू आर ग्रोइंग। देन जो थर्ड पॉइंट आता है, दैट इज लर्निंग माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट इज गोइंग टुवर्ड्स लर्निंग, टुवर्ड्स इंप्रूविंग, अगर बुक पढ़ने में आपका माइंड आता है, कुछ नया चीज को जानने के लिए आपका माइंड आता है, तो आप समझेंगे कि यू आर ग्रोइंग। देन पॉजिटिव एटीट्यूड, इफ यू आर डेवलपिंग द पॉजिटिव एटीट्यूड, इफ यू आर एम्बरेसिंग द चैलेंजेस एंड अट्रैक्टिंग द अपॉर्चुनिटीज, इफ दैट टाइप ऑफ माइंड सेट इज क्रिएटिंग इन योर माइंड, दैट मीन्स यू आर इंप्रूविंग। जो फिफ्थ पॉइंट होता है, यू आर एक्सेप्टिंग यूर सेल्फ एंड अदर्स एंड यू आर ऑल्सो एक्सेप्टिंग द सिचुएशंस। You are accepting yourself, you are believing in yourself that I can do anything. मेरा पास काबिल है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, and you are accepting the situations. कोई सिचुएशन जो होता है उसको आप accepting करते हो, वही अनुसार आप काम करना शुरू कर देते हो, इसका मतलब you are growing. ये जो सिम्टम्स है, अगर आपके अंदर चल रहा है और आपके मन में आता है, तो आप समझेंगे that you are growing day by day. दोस्तों ये जो फॉर्मूला है ना, वेरी सिंपल फॉर्मूला,
इस सिंपल फार्मूला को आप आपके जीवन में अप्लाई कीजिए, इसका रिजल्ट देखिए, इट विल गिव यू द मासिव रिजल्ट। आपका ग्रोथ कोई गुना हो जाएगा, आपका टैलेंट कोई गुना बढ़ जाएगा, आपका इंटेलिजेंस कोई गुना बढ़ जाएगा। इस तरीका को आप जरूर आपके जीवन में अप्लाई कीजिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस या डाउट्स होता है, आप मुझे वीडियो में कमेंट कीजिए। इस तरह की इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल वीडियो पाने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपका पास हर इंटरेस्टिंग वीडियो हर नॉलेजफुल वीडियो का इन्फॉर्मेशन आसानी से आपका पास पहुँचता रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।